हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से होंगे और त्योहारों की तैयारियां कर रहे होंगे। जैसे कि दिवाली आने वाली है तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग की है, तो वो शॉपिंग मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। प्लस ये थोड़ी विंटर के भी हिसाब से की है मैंने, क्योंकि विंटर्स भी एकदम शुरू हो गई हैं और मौसम चेंज हो रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, तो अपना अपना बहुत ध्यान रखिए। सर्दी जुकाम हो रहा है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चों का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो ये शॉपिंग है जो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए की है, और ये ड्रेस आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हो, और इसमें मैं आपको ये सॉक्स खोल के दिखाऊंगी। बहुत प्यारे प्यारे सॉक्स हैं और बहुत कम और रीजनेबल प्राइस में मुझे मिले हैं। और ये ड्रेसेस भी आपने मेरे पहले वीडियोस में देखी होंगी, ये है प्लस ये है, ये फ्री गिफ्ट है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और एक ये ड्रेस है, और ये विंटर के हिसाब से मैंने लिए क्योंकि लाइट विंटर्स आ गए हैं। तो ये देख रहे हो आप, 6 नंबर ड्रेस है ये, तो विंटर के हिसाब से मैंने शॉपिंग की है लड्डू गोपाल की। प्लस ये मैंने दिवाली पे मैं इनमें से कोई पहनाऊंगी, तो वो ये ड्रेस है। और बाकी पहले की भी कुछ ड्रेसेस रखी हुई हैं, तो उनमें से मैं देखूंगी कौन सी है, तो चलिए मतलब कौन सी पहना सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैंने परचेज किया है और ये शॉपिंग मैंने कहाँ से की है, सब बस सारा बताऊंगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारी वीडियोस इस तरह की, बहुत बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो कुछ वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के थ्रू भी मिल जाएंगी, तो आपके लिए बहुत ईजी है कि अगर आप शॉपिंग देखना चाहते हो या जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, आपको चैनल पे आराम से मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये रेड वेलवेट की ड्रेस। तो आप लड्डू गोपाल के लिए मतलब अगर अभी हल्की ठंडक में आप कोई कपड़े पहनाना चाहते हो तो वूलन नहीं डाल सकते, तो आप इस तरह से वेलवेट की ड्रेसेस ले सकते हो। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है ये। आप ये देखिए, इसमें ये इस तरह की ड्रेस है ये पूरी, और इसमें इस तरह से छोटे छोटे से ये मिरर्स लगे हुए हैं, और ये पूरा पर्ल और मिरर पे ये पूरी ड्रेस है, और इसमें ये बीच में ऐसे लेस लगी हुई है, और पिंक कलर की ड्रेस है, बहुत ही फूशिया कलर है, बहुत प्यारा वाला पिंक है। और ये देखिए, ये 6 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है, और ये मुझे मिली है आई थिंक 140 में मिली है, तो 140 की ये ड्रेस है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये आप देखो, वेलवेट की है, तो लाइट ठंड में आपसे आराम से पहना सकते हो, बहुत सुंदर सी है। ये देखो, इसमें पिंक कलर कैसे लुक आ रहा है ये। तो ये एक मिरर वर्क ड्रेस है जो कि 140 के प्राइस में है, और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी मुझे ये ड्रेस। तो एक तो ये ड्रेस है, उसके बाद मैंने ऐसे ही वेलवेट पे एक ड्रेस और ली है, वो है ये, और ये भी बहुत सुंदर है। इसमें भी इस तरह से काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी लगी है, और ये वेलवेट की है, तो ठंड में मतलब जो हल्की ठंड होती है उसमें ये ड्रेसेस काफी कंफर्टेबल रहती हैं। पीछे इस तरह से इसमें ये ऐसे लगा हुआ है, और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, प्लस थोड़ी वार्म भी रहती हैं, तो हल्की ठंडक में आप इस तरह की ड्रेसेस लड्डू गोपाल को पहना सकते हो। मेरे पास ऐसी वेलवेट की ड्रेस और भी है, तो कभी मैं अपना कलेक्शन अगर शेयर करूंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये वेलवेट की ड्रेस काफी अच्छी रहती है लाइट मतलब ठंडी के लिए, लाइट विंटर्स में आप इन्हें आराम से पहना सकते हो। ये देखिए, बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये, और पूरा इस तरह से इसमें पर्ल का वर्क हुआ है, बॉर्डर अटैच हुआ है, मतलब बहुत सुंदर सा, और रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। वो वाली फूशिया कलर था मैंने बताया आपको, ये पिंक कलर था। तो ये तो दो ड्रेस मैंने विंटर के हिसाब से ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दिवाली के लिए दो ड्रेसेस और ली हैं। तो ये दो कलर्स हैं जो कि बहुत प्यारे कलर्स हैं। मेरे लड्डू गोपाल के पास ये वाला कलर नहीं था, ये काफी पेस्टल, थोड़ा सा पीच शेड बोलूँगा तो वो शेड में है, प्लस गोल्डन बॉर्डर है। और ये ड्रेस मुझे 200 रुपीज की पड़ी है, और ये वाली ड्रेस मुझे 164 की पड़ी है, आई थिंक 164 या 163 की है ये ब्लू ड्रेस। दोनों ही मैं ड्रेसेस आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये दो ड्रेसेस हैं, तो सबसे पहले ये ड्रेस है, दिखाती हूँ आपको ब्लू वाली। तो ये इस पे सब ये मैं अलग कर देती हूँ, ये मैंने सामान अलग से लिया था। तो ये एक ब्लू बंधनी डिजाइन में है ये ड्रेस, और इसमें साइड में बहुत ही प्यारा सा फ्लावर का इस तरह से बॉर्डर अटैच किया हुआ है, और सीक्वेंस का वर्क है पूरे में। और एक ये ड्रेस है, उसके बाद मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी, बहुत ही ज्यादा प्यारी, कंफर्टेबल और बहुत अच्छी लगी। तो ये देखिए, ये कुछ पीच शेड में है, और इसमें ये देखिए, तो बहुत सुंदर ड्रेस है, और ये 200 की ड्रेस है।
तो ये देखिए मेरा बेटा बीच में ये दो शीशे ले आए जो कान्हू के हैं। तो एक बहुत ही पुराना, आपने ये शीशा देखा होगा, ये बहुत ही ज्यादा पुराना शीशा है, और ये नया शीशा है आपने देखा होगा। तो ये देखिए है ना, बहुत सुंदर शीशा है ना, ये कान्हू का है। तुम क्यों लेकर के आए हो, लाओ दिखा दे, लाओ सबको दिखा दे कान्हू का शीशा। ये वाला दिखाओ, हाँ दिखा दिया, और दूसरा दिखाओ। तेरा हो गया। हाँ अब जल्दी से दिखाओ, फिर और लोग फिर ड्रेस देखेंगे ना सब लोग कान्हू की। सही से नहीं ऐसे, लाओ मम्मा दिखा देगी, मम्मा दिखा देगी। तो यहाँ रख दो तब दिखेगा, यहाँ रख दो, रख दो, ऐसे नहीं दिख रहा है। हाँ तो ये बहुत ही सुंदर सा कान्हू का शीशा है, काफी पुराना शीशा है, और ये देखिए कितना ज्यादा पुराना है ये। तो ये कान्हू का शीशा है ना शिवा, जाओ रखो कान्हू के पास जल्दी से, जाओ जाओ बेबी। पीछे बटन है? नहीं बटन नहीं है, तुम रख के आओ, जाओ जल्दी से। तो मेरा बेटा आ गया था बीच में। तो ये ड्रेस थी जो मैं बता रही थी आपको, 200 रुपीज की थी, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी ड्रेस है। तो इसके कलर्स शायद अभी भी अवेलेबल होंगे, तो अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, देखो कितनी शाइन करिए। तो ये तो थी ड्रेसेस जो मैंने लड्डू गोपाल के लिए ली थी। उसके बाद मैंने ज्वेलरी में ज्यादा सामान नहीं लिया, आपको पता है ज्वेलरी मैंने बहुत सारे शॉपिंग वीडियोस हैं जो ज्वेलरी के पड़े हुए हैं। तो एक बंसी मैंने ली थी, ये मुझे 64 रुपीज की मिली है, और ये काफी बड़ी बंसी है, आप हाथ पे देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से ये बंसी है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए खूब शाइन कर रही है ये बंसी, बहुत सुंदर सी है। तो ये एक बंसी है। अच्छा बंसी से मुझे एक चीज याद आई, एक बहुत ही सुंदर और एक अनमोल चीज मैं आपसे शेयर करूंगी। पता नहीं वो चीज मेरे को कब तक मिलेगी, पर जब भी मिलेगी मैं पक्का आपसे शेयर करूंगी, और आप उसको देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होगे, और आप भी चाहो तो आप अपने लिए भी वो ले सकते हो। तो बट जब मुझे मिल जाएगा मैं तभी आप सबको बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो मिल जाए। और उसके बाद मैंने ये लिया है, ये 10 रुपीज के कान के पेयर है, तो काफी सुंदर से हैं, मतलब सिंपल से हैं, तो आप किसी पे भी पहना सकते हो। तो ये देखिए इस पे कितने सुंदर जा रहे हैं। तो ये मैंने लिए हैं फोकस, तो ये ऐसे हैं, ये देखिए। तो ये 10 रुपीज के हैं, और ये है उनका फ्री गिफ्ट। जैसे कि मेरे कई वीडियोस में मैंने बताया काना क्राफ्ट एंजल से अगर आप शॉपिंग करते हो तो हर पार्सल में आपको मिलता है एक फ्री गिफ्ट। तो ये कालंगी है जो कि काफी सुंदर है, खोल के एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सी कालंगी है, थैंक यू श्रुति तो सुंदर सा गिफ्ट देने के लिए, बहुत प्यारा लग रही है मुझे ये कालंगी। तो ये बहुत ही प्यारी कलर कॉम्बिनेशन में ये कालंगी है, और ग्रीन कलर की है तो सब पे ही जाएगी। और ये देखिए ये है बंची। तो ये कुछ शॉपिंग थी। तो उसके बाद अब मैं, ये तो थी ऐसी ड्रेस की शॉपिंग। उसके बाद ये जो ड्रेस मैंने परचेज की थी, ये मैं आपको ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने दो ड्रेस ली थी एक्चुअली। 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस जल्दी मिल नहीं पाती हैं, तो इस वजह से मुझे अगर कोई समझ में आ। उसके बाद इतनी क्यूट सी मैंने ड्रेस ली है लड्डू की, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मुझे इसका ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, और दिखाती हूँ मैं खोल कर। तो ये देखिए ये है ड्रेसेस, दो सेट हैं, और ये 7 नंबर गोपाल जी को आराम से आ जाएंगे, और इसमें 10 नंबर साइज तक का भी अवेलेबल है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और उसमें मैंने कलर कॉम्बिनेशंस भी दिखाए थे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे भी देख सकते हो, प्लस लिंक अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारा, सुपर सॉफ्ट है, कॉटन का है, और बहुत ही प्यारा सा है ये इस तरह से। इसमें ये दिया हुआ है वेलक्रो जो ये खुल जाता है, और लड्डू को मैं जब भी ये पहनाऊंगी मैं श्रृंगार जरूर शेयर करूंगी। इसका बेस्ट है ये जो इस तरह से इन्होंने ये लगाया हुआ है, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। प्लस इसके साथ मिलता है ये कैप, और ये मुझे मिली है 100 रुपीज में, ये 100 रुपीज की पड़ी है। और सेम इसका ये है, इस ये देखिए व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में है, प्लस ये है इसकी कैप। तो बहुत ही क्यूट है ये ड्रेस, और जल्दी से मैं जब लड्डू को पहनाऊंगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी। और आगे अब मैं दिखाती हूँ, एक्चुअली मैं भूल ही जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सामान इधर उधर थोड़ा सा पड़ा है। तो ये देखिए इसके बाद मैंने लिए हैं ये सॉक्स अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं। सॉक्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट एक मेरे पास बहुत ही सुंदर सा बेबी पिंक था, बट मैं नैनीताल गई थी तो वहां लेके गई थी, तो वहां पे वो एक बस में गिर गया या पता नहीं क्या हुआ, एक है उसका एक मिस हो गया। तो ये देखिए ये मैंने लिए हैं सॉक्स, और ये 25 रुपीज के हैं। अब साइज देख लो, मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ एक। तो ये देखिए
तो बहुत ही प्यारा सा वाइन कलर है ये, और इसमें इस तरह से ये छोटू सा ये लगा हुआ है, साइज आप देख सकते हो। तो ये एक पेयर 25 रुपीस का है, तो अगर इतने, और इसमें सारे साइजेस भी उनके पास अवेलेबल हैं, प्लस क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए इस तरह से दिया है, और इसमें ये ऊपर इस तरह से ये डोरी दी हुई है जिससे आप अपने गोपाल जी को आराम से इसमें बांध सकते हो, और इसमें आगे ये लगा हुआ है एक छोटू सा ये, तो काफी सुंदर है ये, बहुत प्यारे मुझे लगे। तो ये सॉक्स हैं और इसके कलर्स मैं दिखा देती हूँ। एक ये लिया है मैंने, ये कितना सुंदर लग रहा है, इसमें इस तरह से हाइज बनी हुई है। तो एक ये कलर है, एक ये थोड़ा सा पिंक या रेड, थोड़ा कह दीजिए आप ब्लड रेड टाइप का है कलर, तो वो है। और उसके बाद मैंने एक बेसिक व्हाइट लिया है, क्योंकि मेरे पास एक था पिंक, बेबी पिंक में, बट बेबी पिंक खो गया है। उसके बाद मैंने एक ग्रीन कलर लिया है, और एक कलर और है ये रेड और व्हाइट। तो ये थे सॉक्स जो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए विंटर के लिए लिए हैं, और बहुत ही सुंदर सॉक्स हैं, बहुत प्यारी क्वालिटी है इनकी, और काफी अच्छे से लग रहे हैं मुझे। तो ये सॉक्स थे, तो ये कुछ शॉपिंग थी जो मैंने दिवाली पे की थी अपने गोपाल जी के लिए, प्लस विंटर की शॉपिंग अभी मैं और दिखाऊंगी जो मैंने परचेज की है या जो भी मुझे आने वाला है। वो ये थी मेरी शॉपिंग। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लोगों से शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो लोग नहीं शॉपिंग कर पाते हैं या जिन्हें नहीं पता चल पाता है कि आप कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे एंड हैप्पी दीपावली।